हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं सुबह के 8:30 और लेकर के मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक बार न्यूज इन शॉर्ट। तो चलिए भैया, जो भी बच्चे पहली बार हमको देख रहे हैं, ठीक है, नाम मेरा संस्कृति है, आपको स्क्रीन पर मैं दिख ही रही हूँ, भलाई आज एकदम प्रत्यक्ष ना सही, कोने में सही, पर दिख रही हूँ, नाम मेरा संस्कृति है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और इस वीकेंड का क्या प्लान है, है ना? ऑलमोस्ट ये वाला जो वीकेंड है वो हमारे इस 2021 का क्या है, लास्ट वीकेंड है, क्योंकि फिर जहां तक सैटरडे को ही क्या है, 1 जनवरी है ना, न्यू ईयर सैटरडे को ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया, नाम देख लो बहन लोग, भाई लोग, बीच में नाम मत पूछना, ठीक है? और बड़ी मस्ती हो रही है, मैंने देखा कल की क्लास में, मैंने कहा था कि भलाई मैं आप लोगों की लाइव क्लास लूं चाहे ना लूं, हर जगह कमेंट्स देखती रहती हूँ। चलिए उस बारे में बात करेंगे, लेकिन देख लीजिए भाई अपने करंट अफेयर का जो टाइमिंग है, सुबह 8:30 है, ठीक है, सुबह 8:30 है, मोटा वाला पेन ले लेते हैं, और क्या है, शाम को भी 8:30 है। चलिए सुबह 8:30 और शाम को भी 8:30 अपना टाइमिंग है, 8:30 शाम को और सुबह 8:30, ठीक है ना। तो आज के सेशन में फिर से बहुत ताबड़तोड़ तरीके का एक हो गया है, क्या कहना चाहिए, आतंक बोल लीजिए, उसके ऊपर पॉलिटिक्स बड़ी चल रही है, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। एनीवे क्या है, हर मंडे को हम डिस्कस करते हैं पी वाई और क्यूज, ठीक है। आई थिंक ये पेन अब काम नहीं करेगा क्योंकि संस्कृति मैम को आज पढ़ाना है पेन से, लेकिन हम पी वाई क्यूज डिस्कस करते हैं पॉलिटी के हर रोज, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस पेन, लेकिन पॉलिटी के हम पी वाई क्यूज डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज एवरीवन, नो इट्स नॉट वर्किंग, सॉरी, ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, है ना। मुझे लगता है कि कोई और सा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है, एनीवे चलिए रहने देते हैं। आगे देखते हैं, देखो क्या हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि वीडियोज ऑफ 3 डे धर्मा संसद इन हरिद्वार स्पार्क ऑफ कंट्रोवर्सी। देखो हरिद्वार में क्या हुआ था भाई साहब, एक धर्म संसद नाम की संसद हो रही थी, ठीक है ना, धर्म संसद नाम की क्या हो रही थी, संसद चल रही थी, ठीक है, इस पेन को भी ठंड लग गई है, चलो, धर्म संसद नाम की क्या चल रही थी, संसद चल रही थी, हिंदू धर्म की संसद थी, पहले ही बता देती हूँ आपको। और उस संसद में कुछ ऐसी बातें बोल दी गई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कि जिसने पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या कर दी है, खड़ी कर दी है। अब ये सारी कंट्रोवर्सी आप बोलोगे मैम सुबह सुबह आप कहती हो कि पॉलिटी पढ़ो और पॉलिटिक्स मत करो, ये क्यों समझा रही हो? इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि लास्ट में मेंस के हिसाब से पॉइंट्स है, आप देखना कि क्यों ये कंट्रोवर्सी और क्यों ये इशू, जो हेट स्पीच का इशू है ना, अपना जो हेट, काम ही नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अपना जो हेट इशू का, हेट स्पीच का जो इशू है ना, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा देश में देखने को मिलता है, कभी आपको एक कम्युनिटी की तरफ से, इस बार हिंदू कम्युनिटी के तरफ से। अब चलिए ये सारी चीजें ब्लरी ब्लरी हैं मुझे पता है, लेकिन देख लीजिए थोड़ी सी हल्की सी झलक इस संसद की, कि किस तरीके से इस संसद में जो अलग अलग महंत साधु संत थे हिंदू धर्म के कई सारे, उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। देखिए पहले ही मैं बोल देती हूँ, चैट पे मेरी पूरी नजर होती है, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद ये वो नहीं करेगा, आपको सिविल्स के हिसाब से पढ़ना है, तमीज से पढ़िए, ठीक है, नहीं पढ़ना है सुबह का टाइम मत खराब करिए, पल्ली ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के और सो जाइए फिर। चलो आगे देखो, अब क्या हुआ कि ये जो धर्म संसद है ना, वो 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में अभी अभी ही थोड़े दिन पहले क्या करी गई है,
ऑर्गेनाइज करी गई है, ठीक है। 3 दिन की क्या थी, कॉन्क्लेव टाइप की थी। इसमें क्या होता है कि धर्मगुरु आए, उन्होंने अपने अपने मंतव्य रखे, विचार रखे, स्पीच वगैरह दी, ठीक है। धर्म संसद का यही मतलब होता है, कई सारे धर्मों की, अलग अलग धर्मों की होती रहती है और कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तब हुई जब कुछ संतों ने सीधे सीधे बोला, माफ करिएगा अगर मैं हार्श वर्ड यूज कर रही हूं तो, लेकिन मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आई हैव टू, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज सर्टेन टर्म्स टू एक्सप्लेन यू, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि कई सारे महंतों ने अपनी स्पीच में क्या बोला, सीधे सीधे एथनिक क्लेंजिंग की बात कर दी, ठीक है, कि एक काम करिए आप ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या करना है, हमको खत्म करना है, उनको अपने देश से हटाना है कैसे भी हो, ठीक है ना। ऐसी कुछ बात हो गई, ठीक है, कि मारधाड़ करिए, वायलेंस फैलाइए, इन सारी चीज़ों की बात हुई। अब वहाँ पे उस कॉन्क्लेव में कई सारे लोग क्या थे, उस कॉन्क्लेव को अटेंड कर रहे थे। देखिए मैं आज अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगी, आपके सामने जो देख रहे हो आपकी पेन जो है वो मिसबिहेव कर रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई विल गेट दिस फिक्स आज के 8:30 वाले शाम वाले सेशन में। बट एनीवे स्लाइड्स ऐसी हैं कि आपको सब समझ आएगा, आपको केवल बातें सुननी है। और आगे हिंदी में भी स्लाइड है, जो लोग स्पैम कर देते हैं ना कमेंट बॉक्स, थोड़ा थोड़ा रुको रुको, समझा लेने दो, फिर आप लोगों के लिए भी बातें हैं, रुक जाओ। तो धर्म संसद थी, हरिद्वार में ऑर्गेनाइज हुई थी, हिंदू धर्म की धर्म संसद थी, 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक की संसद थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आप आइए, आप अपने धर्म के बारे में बातें करिए, सारी चीजें करिए, इट इज एब्सोल्यूटली फाइन एंड इट इज एब्सोल्यूटली लीगल, इट इज योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस करें, ये करें, ठीक। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ कि बात चलने लगी, कुछ धर्मगुरुओं ने कहा कि भैया क्या करना है, हमको मुसलमान मुक्त भारत बनाना है और सारे के सारे भारत में जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनका क्या कर दीजिए, उनको समाप्त कर दीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत में हमको क्या लाना है, पूरे के पूरे भारत में हिंदू धर्म का सब होना चाहिए और इस कम्युनिटी के लोगों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इनको हमारे ज़मीन से, हमारे भारत देश से हटाइए, और इसके लिए अगर हमें वायलेंस का भी क्या करना पड़े, सहारा लेना पड़े तो ले लीजिए, ठीक है। अब इतनी भयंकर बातें हुई, बहुत अनएक्सपेक्टेड लगता है क्योंकि जनरली आप नहीं देखते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जनरली नहीं देखते हो, लेकिन इतनी बड़ी कॉन्क्लेव, 3 दिन की कॉन्क्लेव हुई और उसमें ऐसा हुआ। अब उस कॉन्क्लेव में बातें कैसे पता चली, देखो ये जो बातें पता चली, ऐसे पता चली कि हम आप जैसे कॉमन लोग भी तो गए होंगे उस कॉन्क्लेव में, उस संसद में, जहाँ पे क्या था कि जहाँ पे ये सारा डिस्कशन हो रहा था। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेरियस वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट शेयर्ड एंड कंडम द वीडियो। तो हम आप जैसे लोगों को जब ये बात गलत लगे कि ये तो भारत के सेकुलरिज्म के वैल्यू के खिलाफ है और भी कई सारी चीज़ें, मानवता के खिलाफ बात है, बाकी सब तो अलग ही है, तो लोगों ने वो सारे क्लिप्स बनाए, रिकॉर्ड करे और ट्विटर हैंडल पर अपने शेयर करें वेरीफाइड अकाउंट से। इवन यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, अब आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया, बट हो सकता है कि उसे हटा दिया गया होगा ताकि कि क्या हो, जो पूरे देश में इंटरनल पीस बनी हुई है वो बनी रहे, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हुई। और यहां से ये सब सोर्स, हम आप जैसे लोग जो इस संसद में गए थे इस संसद को देखने के लिए, और फिर जब हमें कुछ बातें गलत लगी तो उसी में से कई लोगों ने क्या किया, सोशल मीडिया पे इन सारी बातों को पोस्ट कर दिया। तो यहां से पता चला कि अच्छा ये सब हो रहा है, ये सब बातें हो रही है। अब देखो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, हद के बाहर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ऑब्वियस बात है, भारत सेकुलर देश है, यहाँ पे सबको जीने का, रहने का बराबरी से अधिकार है। मैं स्वयं खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, बट मैं एकदम सीना ठोक के कह सकती हूँ कि आई नेवर फेल्ट अनसेफ जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी जिसके पास माइनॉरिटी का दर्जा है, ठीक है। तो एक ऐसे देश में हम रहते हैं, उस देश में ऐसी बातें होती है कि एक मेजॉरिटी रिलीजन की अपनी कॉन्क्लेव होती है और वो कहते हैं फिर कि भैया हमको एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को वाइप आउट कर देना है, उसके लिए हम वायलेंस भी करने को तैयार है, हिंसा करने को तैयार है, चाहे जो हो जाए वो करने को तैयार है। बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है, अलग अलग लोग, मुस्लिम लीडर्स जो मुस्लिम रिलीजन को जो लीडर्स लीड करते हैं वो कंडेम कर रहे हैं, FIR की बातें चल रही हैं और भी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही थी, ठीक है, मतलब जब मैंने ये वीडियो बनाया तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है।
आप हेट स्पीच की बात करते हो, ठीक है आपने कर दी, ठीक है अगर सरकार को पता चल गया है कि हेट स्पीच की इतनी ज्यादा लेवल की बातें हो रही हैं, उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं होता है आगे भी, तब तो दिक्कत की बात हो जाएगी भाई साहब। अब चलो जल्दी से पहले फैक्ट्स देखते हैं, फिर वापस से वील कम बैक टू दी पॉलिटिक्स। एनीवे ये देखो, यति नरसिम्हानंद नाम के कौन है, एक महंत है, ठीक है ना, यति नरसिम्हानंद नाम के एक महंत है, उनके द्वारा इस कॉन्क्लेव को क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी देखो यति नरसिम्हानंद जी का नाम अब जी लगा लीजिए, ठीक है, तो क्या है उनका जो नाम है वो आ गया है न्यूज में, तो अब ऑफ कोर्स आपसे कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है, यू जस्ट नेवर नो, ठीक है। चलिए अब क्या है, और भी कई सारे लोग इस कॉन्क्लेव में थे, ठीक है, सिर्फ नाम जानना है, गेट फेमिलियर विद दी नेम्स, नाम के साथ फेमिलियर हो जाइए, बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी, ठीक है, स्वामी आनंद स्वरूप, साध्वी अन्नपूर्णा और भी कई सारे वक्ता क्या थे, सम्मेलन में शामिल थे, ठीक है। चलिए ठीक है, कुछ लोगों के नाम हो गए, कहाँ गया हमारा पेन, चलिए ये लीजिए, और कौन थे, स्वामी आनंद स्वरूप, साध्वी अन्नपूर्णा, ठीक है, और भी काफी सारे लोग थे, और ऑफ कोर्स यति नरसिम्हानंद तो थे ही थे। आई होप आप लोगों को यहां तक कंट्रोवर्सी समझ आई होगी, और आप समझ रहे होंगे कि मैं इस सेशन को लेकर के क्यों आई हूँ, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जिक्र कर ही दिया, किसका, आई थिंक दो जिक्र कर दिए ना, एक तो सेकुलरिज्म का कर दिया, दूसरा हेट स्पीच की इशू का कर दिया, ठीक है। अभी अब फिर से वही बात है कि यूट्यूब पर भी जारी किया गया ये सारी चीज़ें, ठीक है, यूट्यूब पर भी जारी किया गया, और ट्विटर के जो ऑफिशियल खाते होते हैं ना, मतलब कि वेरीफाइड हैंडल्स होते हैं ट्विटर के, फेक अकाउंट से नहीं, वेरीफाइड हैंडल से भी इन सारी चीज़ों को शेयर किया गया, तब पता चला कि अच्छा ये सब बातें हो रही हैं। अब देखिए ये व्यक्ति, इन व्यक्ति को देख लीजिए, ये कौन है, ये ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संसद को किया था ऑर्गेनाइज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन है, यति नरसिम्हानंद है, ठीक है ना। अब यति नरसिम्हानंद के बारे में भी जान लीजिए भाई, ठीक है, तो ये क्या है, दासना देवी टेम्पल है, आई थिंक गाजियाबाद के पास है, ठीक है, एनसीआर रीजन के ही पास लगता है ये, वहां के ये महंत है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, ठीक है। अब देखो फालतू के कमेंट मत करना, और ये डिजिटल आशिकी तो थोड़ा सा शांत रखना क्लास के बीच में, ये बस मत करो, गुस्सा नहीं कर रही हूं, लेकिन कम से कम अपने मां बाप की तो इज्जत करिए कि वो भी नहीं बची है। चलो तो क्या है कि दासना देवी जो है, ठीक है, दासना देवी एक मंदिर है, कहां पर है ये मंदिर, गाजियाबाद के पास कहीं पर है, वहां के कौन है, पुजारी हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी, ठीक है। ये बड़े फेमस है, किसके लिए फेमस है, अपनी हेट स्पीचेस के लिए बड़े फेमस है भाई साहब, ये हेट स्पीचेस के लिए, ये देखो टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, हेट स्पीचेस के लिए बहुत फेमस है, आए दिन कुछ ना कुछ हेट स्पीच देते ही रहते हैं। लेकिन बहुत अचंभे की बात ये है कि ये जो यति नरसिम्हानंद है ना जो दासना देवी या दासना देवी मंदिर के महंत हैं, वो रशिया से पढ़े हुए एजुकेटेड इंजीनियर हैं जिन्होंने केवल रशिया में ही काम नहीं किया है, ठीक है, वो रशिया में पढ़े, अच्छा, उसके बाद फिर वो इंजीनियर भी हैं, ओ माय गॉड, बहुत पढ़े लिखे हैं, और फिर उन्होंने मॉस्को और लंदन दोनों जगह, मतलब रशिया में और यूके, लंदन जैसी जगह पे काम किया है, ठीक है, और वो अपने आप को बताते हैं कि पहले वो किसके हिस्सा थे, समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे, ठीक है, समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे, ठीक है। थोड़ा सा पेन का इशू आ रहा है, इसीलिए मुझे पता था कि ऐसा होगा, और दैट्स वाई मैंने स्लाइड्स को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बना रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, तो समझ गए। फिर ये अपने जीवन का किस्सा बताते हैं, जब मैं पढ़ रही थी यति नरसिम्हानंद के बारे में कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे, हेट स्पीच की कैटेगरी में उनके स्टेटमेंट्स आने लगे, तो वो बताते हैं कि उनके जीवन का एक इंसिडेंट था, पहले वो एंटी मुस्लिम नहीं थे, लेकिन फिर उस
उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने एकदम क्या कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है कि वो इस देश से इस देश को मुसलमान मुक्त करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं भाई, अब इनकी अपनी विचारधारा है, अपना करना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस तरीके से करना एकदम है ना शोभा नहीं देता। देखो ठीक है, चल अब ठीक, शोभा नहीं देता का मतलब कि मानवता के खिलाफ सी बातें लगने लगती है। एनीवे ऐसा ना हो कि मेरे ही ऊपर कोई एक्शन हो जाए। चल अब देखो, दिल्ली से सटे इलाकों से, क्योंकि गाजियाबाद के पास है मैंने बताया दासना देवी मंदिर, जिसके कि महंत है यति नरसिंह महानंद, तो दिल्ली से सटे इलाकों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इनका क्या होता है, कई बार इन पे ना इल्जाम लगता है। क्या करूं मैं, क्या करूं, तो कई बार इनका क्या है, दिल्ली का रीजन देखो वैसे भी वोलेटाइल है, दिल्ली का रीजन बच्चों वैसे भी वोलेटाइल है, सांप्रदायिक हिंसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हो भी जाते हैं कई सारे इलाकों में। CAA के टाइम पे आप देख लो, ओखला वाला जो रीजन था साउथ दिल्ली की तरफ जो आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हड़कंप हो गया था। तो ये जो भाई यति नरसिम्हानंद जी हैं, उनका क्या है, वो बड़े फेमस है हेट स्पीच के लिए और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने को लेकर के दिल्ली वाले रीजन में कई बार इनका नाम सामने आता रहता है। चल यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अभी देखो, अब मेंस के हिसाब से कौन कौन सी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ध्यान दें। देखिए ये वाली स्लाइड इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, मैं हिंदी में समझा देती हूँ, पर कल किसी बच्चे ने इतना आतंक किया क्लास में, देखो भाई मेरी क्लास में आतंक मत किया करो, बच्चे पढ़ने आते हैं उनको पढ़ने दो, प्लीज़ लेट देम स्टडी, ठीक है। और जो आप हिंदी और अंग्रेजी की बात करो, या तो बच्चे आप मुझे म्यूट करके देख रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने ये स्लाइड जानबूझ के इंग्लिश में इसलिए रखी है कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा आता है तो कम से कम वो भी तो बराबर से पढ़ पाए ना। आपने कैसे बोल दिया, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैम इंग्लिश में पढ़ाती है, मैं अगर ये कोई मुझे बताओ प्लीज़ कि जो भाषा मैं अभी बोल रही हूँ ये अंग्रेजी है, क्योंकि मेरे नॉलेज में मैंने जितनी पढ़ाई करी उस हिसाब से तो ये भाषा हिंदी है, ठीक है। सेकुलरिज्म, इतना छोटा छोटा फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब सब आप चलाते हो और सारा का सेटिंग आपका इंग्लिश में है, बहुत रेयर है कि कोई हिंदी में होगा। इवन पेरेंट्स हमारे जो होते हैं, मेरे पापा हैं ठीक है, उनका भी इंग्लिश में, और वो हिंदी मीडियम में, मेरे पापा टीचर हैं और वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, ठीक है, और वो हिंदी ज्यादा प्रिफर करते हैं बोलना। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बेसिक इंग्लिश भी नहीं समझ आ रही है। इंटरव्यूअर से वहां पर बोलिएगा जब आप UPSC का इंटरव्यू दे रहे होंगे कि सर मुझे पहले सेकुलरिज्म का हिंदी ट्रांसलेशन बता दो तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं ना बोल रहा, ठीक है। चलो, ऐसा लगता है कि पॉलिटी पढ़ाने की जगह ट्रांसलेशन खेलते रहते हैं हम। सबसे पहले तो सेकुलरिज्म की बात कर लो, और दूसरा कि इशू हेट स्पीच का, अभी थोड़े दिन पहले मॉब लिंचिंग वाला केस हमने पढ़ा था ना, देखा था कि जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वहां पे एक व्यक्ति ने बेअदबी करने की कोशिश करी और उस व्यक्ति की मार मार के पीट पीट के उसकी भीड़ हत्या हो गई, ठीक है, मॉब लिंचिंग हो गई। तो ये दो ऐसे सोशल इशू है बच्चों, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं देश को, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हमारे और आपके बीच में जो सौहार्द है ना उसको खतरे में ला रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, हमारे और आपके बीच में वैमनस्यता फैला रहे हैं, ठीक है। अब वैमनस्यता तो समझते हो ना, अब ये कमेंट मत कर देना मैम वैमनस्यता क्या होता है, क्योंकि वैमनस्यता तो हिंदी शब्द है, चलो ठीक है। तो सेकुलरिज्म की बात है, आप सेकुलर होने की बात करते हो, हिंदू धर्म में हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो फिर कहां गया, कहां है, वेयर इज वसुधैव कुटुंबकम। हम तो यहां पे बात करें कि भारत से स्पेसिफिक कम्युनिटी को वाइप आउट कर देना, ठीक है, तो भारत के सेकुलरिज्म की जड़ें हिल रही हैं। और देखो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ हिंदू धर्म के कुछ महंत और साधुओं ने ऐसी हेट स्पीच दी है, बाकी रिलीजन के भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और जितने भी लोग ये करते हैं ना, जितने लोग हेट स्पीच किसी भी धर्म के हो, किसी भी कम्युनिटी के, जितने भी लोग हेट स्पीचेस फैलाते हैं ना, बहुत गलत करते हैं, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमारे आप दोनों के बीच में जो आपसी प्यार मोहब्बत है उसको आप हर्ट कर रहे हो, ठीक है, देश की इंटरनल पीस को बर्बाद कर रहे हो। तो हेट स्पीच का जो इशू है देखो बच्चों, वो बहुत ज़्यादा क्या है,
चल रहा है देश में, तो इस पे आपसे क्वेश्चन कई सारे पूछे जा सकते हैं। सेकुलरिज्म की बात है तो एकदम है कि कहाँ गया सेकुलरिज्म, और ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर सरकार कोई इस बात पे एक्शन नहीं लेती है, देखो अभी तक तो नहीं लिया था एज ऑफ नाउ, ठीक है, जब तक ये स्लाइड्स प्रिपेयर हो रही थी, तो अगर इस इशू पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तब फिर देश का सेकुलरिज्म, देश में जो धर्म निरपेक्षता की बात है वो कहाँ गई। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हुआ था ना, कौन से कॉमेडियन को बोला गया कि आप भारत का क्या करते हैं, भारत की पीस को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए आप उनको उसको बैन किया गया, कौन से फारूकी हैं क्या है। तो जब आप कॉमेडियन को बैन कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि आप भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के जो लोगों के बीच में भाईचारा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो फिर जब ऐसी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं तो उन पे एक्शन लिया जाना ज़रूरी है। अभी देखेंगे क्या होता है, हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक कुछ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो एक और बड़ा अच्छा प्रश्न मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रखा है मेंस के हिसाब से कि वाई स्टेटस ऑफ रिलीजियस हार्मनी, ठीक है, रिलीजियस हार्मनी का मतलब हो गया कि धार्मिक सौहार्दता जो है ना भारत में, ठीक है ना, उसका जो स्टेटस है वो धीरे धीरे डिग्रेड क्यों हो रहा है। आप देखोगे हेट स्पीच के जो इंस्टेंसेस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हेट स्पीच के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के बीच में ना हेट आता जा रहा है, कहीं ना कहीं से लोगों के बीच में हेट आता जा रहा है, ठीक है, लोगों के बीच में, जाने दीजिए, लोगों के बीच में क्या हो रहा है, हेट आता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है कि जो एक समय पे रिलीजियस हार्मनी हुआ करती थी हमारे देश की आज़ादी के समय पे, जो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी रिलीजियस हार्मनी, अब वो क्या हो गई है, हमारे ही देश में उसी की स्थिति डिग्रेड होती जा रही है। अच्छा, अब क्या इन सारी चीज़ों का, हेट स्पीच का समाधान लॉज है? क्या ऐसा हो सकता है कि कानून बना लेने से ही सारी समस्या का समाधान हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कानून बना लें, कानून इंप्लीमेंट कर लें, जो ऐसा करे उसको पकड़वाते और ठीक है? क्या हेट स्पीचेस से फैलाई गई जो एक गलत मानसिकता है उसको रोका जा सकता है? आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा इन सारे आंसर्स को, मैं सही बता रही हूँ, जिस दिन अगर आपको पूछ लिया गया ना मेंस में, मैं चाहती हूँ आप मेंस लिखो, आप इंटरव्यू दो, उस दिन आप आके बोलना कि मैम आपने बोला था और ये क्वेश्चन आया, ठीक है, चल। तो नेक्स्ट यही बात है कि विल इंट्रोड्यूसिंग लॉज सोली हेल्प कर्बिंग द इंस्टेंसेस ऑफ हेट स्पीचेस, मतलब क्या केवल लॉज ला देने से चीज़ें सुधर जाएंगी, या हमें और आपको अपनी मानसिकता में, अपने एटीट्यूड में भी चेंज करना होगा, ठीक है, क्या किया जा सकता है कुछ और? देखो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो मुझे, क्या कमेंट बॉक्स में अभी आपको चैट बॉक्स दिख रहा है बच्चे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में सेशन के एंड होने के बाद आप बताना कि क्या और किया जा सकता है कि ये हेट स्पीचेस रोकी जाए, और इस तरीके से जो लोगों को वोलेटाइल करने की कोशिश की जाती है इन सारी चीज़ों पे क्या किया जाए, रोक लगाई जाए कड़े तरीके से। आपके क्या विचार हैं, ये जो स्टेटमेंट जारी हुए धर्म संसद कॉन्क्लेव के द्वारा, ठीक है, उसमें जो स्पीचेस हुई वहाँ से कितने सही है कितने गलत है, इन सारी चीज़ों पे भी आप अपने विचार, अपने मंतव्य एकदम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना प्लीज़, सिविल्स के स्टूडेंट की तरह संजीदगी से सारी चीज़ें लिखिएगा। देखिए अगर आप, अब चलिए अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, और इससे पहले क्या है कि मैं आप लोगों से लूँ विदा, ISPCS बनने का सपना आपका हो सकता है क्या सार्थक, अगर आप जुड़ते हैं एग्जाम बोर्ड के सार्थक बैच के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से कराई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, तो आप सार्थक बैच को कर सकते हैं अवेल मात्र 14999 की कॉस्ट पर। इस कॉस्ट पे भी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे, आपको मिलेगा 10% का ऑफ अगर आप लगाते हैं कूपन SANK10। तो चलिए बाकी जानकारी आपके स्क्रीन पर है, हमारी कॉलिंग टीम को जल्दी से कॉल कर लीजिए, वो आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी। चलिए और भी, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इन एग्जाम्स में से किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 10 के 10 एग्जामिनेशन का सुपर कॉम्बो परचम बैच एग्जामपुर लेकर के आया है, आप इस बैच को भी मात्र 1170 के नॉमिनल प्राइस पे अवेल कर सकते हैं।
है ना, इस पे भी आपको मिलेगा 10% का ऑफ, और 10% का ऑफ अगर आप कोड लगाते हैं SANK10, तो जानकारी आपकी स्क्रीन पर है सारी। चलिए अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में शाम की 7:30 बजे वाली, और आई विल गेट दिस पेन फिक्स प्लीज। और साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए कमेंट करिए आपको सेशन अच्छा लगता है, दैट इज फाइन, नहीं लगता है दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। मैंने बोला कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज लोगों की ठीक है सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए थोड़ा सा एक सम्माननीय एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके तरीके से बातें करिए, उसके तरीके से शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज आपका जीवन है, आपकी पढ़ाई, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए। मिलती हूँ फिर मैं आपसे शाम के 8:30 वाले सेशन में। आई होप इतनी सारे बैरियर्स के बाद भी, इतनी सारी इश्यूज के बाद भी आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा, और अगर इस सेशन ने थोड़ी सी भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, पढ़ाई में ऐड करी है, ज़रा अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और जल्दी से मुझे 100+ लाइव के आंकड़े के दर्शन करा दीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं ऐसे ही सेशन न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में आप लोगों के लिए लाती रहूं कि ना लाती रहूं, किस टॉपिक पे और ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊं। और एक और बात मैंने क्या बोली थी, कमेंट बॉक्स में जो मेंस के पॉइंट्स लिखे हुए थे ना, उस पे आप अपने विचार जरूर रखिएगा, लेकिन कुछ गलत मत लिखिएगा, ठीक है। मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को 8:30 बजे, तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।